मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर दिख रहा है और आपके धन की दशा में सुधार होता भी दिखाई दे रहा है। इस समय कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, इसकी संभावना बनी हुई है। अब अगर आप किसी निर्धन को थोड़े धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी कि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में आपके खुशहाली आती दिखाई दे रही है और इस समय अगर आप कोशिश करके देखें तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। मानसिक स्थिति का, मानसिक तनाव का अभी थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपका मन मजबूत होगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, विदेश से दूर स्थान से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा और साथ ही साथ धन के लेन देन में भी आपको लाभ होगा, यानी दिन बहुत अच्छा है। हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिएगा, तुलसी दल अर्पित करिएगा, आपके दिन की शुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी बहुत अच्छा भाग्य, सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखिए क्योंकि सेहत को लेकर के मुश्किलें इस समय दिखाई दे रही हैं और जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें निपटाइए, काम में लापरवाही मत करिए। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता इस समय आपके मन में हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। क्या करेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, तमाम तरीके की मानसिक समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और इस समय धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकेगी, यानी दिन अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के मजबूत योग फिलहाल आपके दिख रहे हैं और करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी इस समय आपकी हल होंगी, लेकिन अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कोई नया रिश्ता इस समय आपके जीवन में शुरू होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग भी फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको आपकी संतान से सहयोग भी मिलेगा।
अगर एक बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी, शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, सावधानी रखनी चाहिए। पैसा कहीं पर फंस सकता है, इसलिए पैसा रुपया देने में अलर्ट रहेंगे। यात्रा में भी सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। जो काम आप करना चाहते हैं उन कार्यों में मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इस समय कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करें, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपकी रुकावट समाप्त होगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, सेहत की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हैं और जो पारिवारिक समस्याएं चली आ रही थी वो समस्याएं भी इस समय हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं, धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत हैं आपके लिए और इस समय आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य अवश्य होने वाला है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए, सेहत के मामले में दिक्कतें दिख रही हैं। करियर के निर्णयों में भी आपको सावधानी बनाए रखना है, साथ ही साथ आज अपने क्रोध और अपने वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी, बेवजह के तनाव नहीं होंगे। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।